हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ब्रेक, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम योर इंग्लिश वर्कबुक। आज हम लोग इंग्लिश वर्कबुक से पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए कि व्हाट इज द पेज नंबर, दिस इज द पेज नंबर 40, पेज नंबर है 40। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टुडे वी विल लर्न फ्रॉम दिस पेज यूज ऑफ इज एंड आर। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एंड आर। तो आप लोग इसके आगे के क्लास में किए हैं कि इज और आर का यूज कहाँ पर होता है, फिर से एक बार इस वीडियो में आप लोग देख के समझ जाएं कि इज और आर कौन कौन से जगह में होता है। पहले मैं आप लोगों को समझा देने जा रहा हूँ कि इज कहाँ पर होता है। ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो जो सिंगुलर प्लुरल होगा। ओके, तो सिंगुलर जो होता है उसमें क्या होता है, सिंगुलर जो होता है ऑब्जेक्ट को पहले देखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग किए हैं एजुएस बुक में, तो सिंगुलर में क्या होता है इज। जैसे यहाँ पर क्या है, आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इंडिया डैश ए ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ पर आप लोग देखिए कि ब्यूटीफुल कंट्री, कंट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, कंट्री जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये वाला जो है क्या है, सिंगुलर है। ओके, कंट्री एक ही कंट्री है यहाँ पर, दैट इज इंडिया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक तो है इसीलिए ये सिंगुलर है, और यहाँ पर क्या होगा इसीलिए इज होगा। ओके, तो आप लोग समझ जाइए कि सिंगल ऑब्जेक्ट होने से सिंगुलर होता है और इसमें क्या बैठता है, इज होता है। ओके, सिंगुलर ऑब्जेक्ट में इज होता है, आई एस इज। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि इंडिया इज अ ब्यूटीफुल, बी ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल कंट्री, सी ओ वन टी आर वाई, कंट्री। ओके, दिस इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सो इट हैज इज। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इज हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नंबर टू, दिस डैश एंड अपेल। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है, सेंटेंस को पहले अच्छे से केयरफुली पढ़िए, क्या लिखा है, दिस डैश एंड अपेल। यहाँ पर जो है सिंगल है, ऑब्जेक्ट जो है सिंगल है, सिंगुलर है। ओके, आप लोग देखिए यहाँ पर सिर्फ एन है, एन मतलब एक तो। ओके, यहाँ पर एन अपेल मतलब एक तो अपेल, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, दिस इज होगा यहाँ पर भी, क्योंकि सिंगुलर होने से क्या होता है, इज होता है। ओके, दिस इज एंड अपेल। ओके, नंबर थ्री में क्या है, रीड द सेंटेंस, दिस डैश बनानास, बी ए एन ए एन ए एस। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि बनाना स्पेलिंग क्या होता है, बी ए एन ए एन ए, और लास्ट में यहाँ पर क्या दिया गया है, एस। ओके, एस मतलब है यहाँ पर प्लुरल है, प्लुरल मतलब एक से ज्यादा है। ओके, बनाना कितना है, एक से ज्यादा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है प्लुरल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या होगा, दीज आर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्लुरल होने से आर होता है। ओके, तो यहाँ पर होगा दीज ए आर ई आर, दीज आर बनाना, बी ए एन ए एन ए एस, लास्ट में एस है। ओके, दीज आर बनाना। नंबर फोर में क्या है, यू डैश अ गुड बॉय, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यू डैश ए, यहाँ पर आप लोग देखिए ए है, उसके बाद गुड बॉय है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है क्या है, एक तो ही बॉय के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तो लड़का है, एक ही लड़का है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यू, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए कि यू है, यू मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी दे। ओके, तो दे भी जो है यहाँ पर दे प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दे होने से आर होता है, बट यहाँ पर यू आप लोग देखिए, यू जो है क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन होने से क्या होता है, आर होता है। ओके, आप लोग फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन बाद में जान जाइए, अभी आप लोग जान लीजिए कि यू होने से क्या होता है, आर होता है। सो यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। ओके, यहाँ पर यू होने से आर होता है, और लास्ट में जो है नंबर फाइव, बेस, बी ई डबल एल एस, यहाँ पर आप लोग देखिए ऑब्जेक्ट जो है प्लुरल है, बी ई डबल एल एस, बेस मतलब एक साथ बहुत सारा बेल्स, एक बेल्स नहीं बहुत सारा बेल्स। ओके, तो बी ई डबल एल एस, बेल्स डैश रिंगिंग, आर आई एन जी, रिंग आई एन जी, इंग, रिंगिंग। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना है, एक से ज्यादा है, प्लुरल है, इसलिए बेल्स यहाँ पर क्या होगा, आर होगा, ए आर ई आर। आप लोग देखिए ऑब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्लुरल होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आर, ए आर ई आर, तो बेल्स आर रिंगिंग। ओके, आप लोग इसी तरह से वर्कबुक से पेज नंबर 40 को अच्छे से लर्न कीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स को
इज और आर डाल के फिलअप कीजिए. ओके सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय.